नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियोस लेकर हाजिर रहा हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों चारपाई देख पा रहे हैं, इसमें मैं पार्ट थ्री बता रहा हूँ। पार्ट वन में मैंने बताया था कि ताना कैसे तानते हैं, और ये स्टार्टिंग पार्ट टू में बताया था। ये पार्ट थ्री देख पा रहे हैं, इसमें आगे डिजाइंस कैसे बनेगी वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे चारपाई पे, देखिए किस प्रकार से डिजाइन बनानी है वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। एक एक रस्सी के बारे में देखिए, तो यहाँ से दो रस्सी दबाना है और दो दबा के दोस्तों यहाँ पे चार रस्सी आपको उठानी, फिर चार दबानी, चार रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे पाँच रस्सी आपको दबा देनी है, फिर चार उठानी, फिर चार दबानी, चार रस्सी उठानी है। आपको इसमें और कोई इंटरफेयर नहीं करना है। ये एक सीक्वेंस है दोस्तों, चार चार रस्सी की लहर की है, इसके बीच में सिर्फ मैंने इंटरफेयर किया है। तो इससे पहले भी आप देखेंगे डिजाइंस में मैंने और भी डिजाइंस की चारपाई बनाई थी, तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने अलग डिजाइंस बनाई थी। और ये पर्टिकुलर लहर की बहुत ही आसान डिजाइन की है दोस्तों, इससे आपको आसान डिजाइन नहीं मिलेगी। तो वो आप हमारे चैनल पर थोड़ा देख सकते हैं किस प्रकार से डिजाइंस आपको बनाई है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सी डिजाइन से मिलेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे ये तीन रस्सी हम दबा देंगे, तो ये तीन रस्सी आप दबा दीजिए, क्योंकि चार चार का सीक्वेंस में और चार चार का सीक्वेंस में हमें चलानी है। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये हमारी गुंडी आप डाल दीजिए। ये हम देख पा रहे हैं ये सिंगल गुंडी में दोस्तों, डबल गुंडी में ही देखेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। डबल गुंडी का अलग है और सिंगल गुंडी का ये अलग है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, यहाँ से एक उठाकर फिर हमने चार रस्सी दबाई है, फिर ये चार उठाई, फिर ये चार दबाई और ये सात रस्सी उठा लिए, फिर ये चार दबाई और चार रस्सी उठाइए, फिर ये चार दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी चार का सीक्वेंस में आप चाहें तो इसमें चारों तरफ फूल बनाना चाहते हैं तो फूल बना सकते हैं, या यदि आपको लहर ही बनाना है तो लहर बना सकते, दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। ये सभी आपके ऊपर है कि आपको फूल की बनानी है या लहर की बनानी है दोस्तों। वैसे पर्टिकुलर आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको लहरों की बहुत सी चारपाई मैंने बनाई है, वैसे लहरों के साथ साथ फूल ही बताया है, तो दोनों चीज़ आप देख सकते हैं, लहर भी देख सकते हैं या फूल भी देख सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, वो सभी आप देखने को मिल जाए दोस्तों। तो यहाँ से फिर आप चार दबाकर चार रस्सी उठा दीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पर्टिकुलर आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे तो तीन की लहर, चार की लहर, पाँच की लहर, छः की लहर और सात की लहर तक देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप फूल भी देख पाएंगे, मैंने फूल ही बनाए हैं, जो छोटे फूल होते हैं उसमें तीन रस्सी का फूल, फिर पाँच का, सात का, नौ का, ग्यारह का, तेरह रस्सी का फूल, तो इस प्रकार से भी मैंने बनाए हैं। तो वो यदि आप देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे थोड़ा विजिट करेंगे। और चारपाई आपको लहर के बहुत ही आसान है और सिंपल है उसमें डिजाइंस, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी बहुत से हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर दोस्त हैं, वो हमको पूछते रहते हैं कि सिंपल डिजाइन सिखाइए, तो इसलिए आज दोस्तों आज मैं आपको सिंपल डिजाइन सिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि सिंपल आपको डिजाइन सीखना है या आपको थोड़ा फूलों के डिजाइन सीखना है। वैसे मैंने बहुत सी डिजाइंस की बनाई है, कई चारपाई में पूरी में फूल ही बनाकर बताए हैं, यदि वो आपको सीखना है तो वो सीख लीजिए, या फिर ये लहरों की सीखना है क्योंकि ये सिंपल है, और इसमें भी डबल घुंडी की, डबल माई की, वो सभी देखने को मिलेगी। वैसे पर्टिकुलर से मैं आपको बता देता हूँ, डबल माई के बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है और डबल घुंडी के बारे में भी, तो थोड़ा जाइए हमारे चैनल पर और विजिट कीजिए तो ये आप सीख पाएंगे, अन्यथा आप नहीं सीख पाएंगे। देखो ये सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा आपको, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए इसमें आप चाहें तो दोनों तरफ फूल बनाना है तो फूल बना सकते हैं, यदि आपको लहर बनाना है तो लहर बना सकते हैं। ये सभी आपके ऊपर है कि आपको फूलों की बनानी है या लहरों की बनाना है। ये सभी दोस्तों मैंने बहुत सी वीडियोस पर्टिकुलर बताई हैं, उसके साथ साथ फूल ही बताए हैं और लहर भी, कुछ में आपको पूरी लहर मिलेगा, किसी में आपको पूरी फूल मिलेंगे, तो वो सभी आसान जो डिजाइन मिलेगी हमारे चैनल पर आप जाएंगे थोड़ा विजिट करेंगे, या फिर आपको ये लहर की मिलेगी, दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी, फूलों के मिलेगी और लहर की भी, या और भी बहुत सी डिजाइंस आप देखेंगे तो वो भी हमारे चैनल पे आपको कई डिजाइंस मिलेंगे दोस्तों। 300-400 डिजाइंस मैंने बनाई हैं, तो आप जाएंगे और बहुत सी वीडियो में आपको स्टार्टिंग से बताया मैंने,
लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे, जब भी वीडियो देखें आप अंत तक देखें और सभी पार्ट देखें उसमें, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, तभी आपको पूरी डिजाइन समझ में आएगा, नहीं था आपको पूरी डिजाइन नहीं समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत से हमारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ एक दो पार्ट देखते हैं तो उसमें नहीं समझ में आता है पूरी डिजाइन को, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप हमारे चैनल पर जाएंगे और विजिट करेंगे सभी पार्ट के साथ देखिए दोस्तों, तभी आप पूरी चारपाई बना पाएंगे। क्योंकि जो भी मैं चारपाई आपको बनाता हूँ वो हमेशा पूरी ही बनाता हूँ दोस्तों उसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पार्टों का, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे वो आपको ऊपर है, या फिर आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी बोतल में चारपाई के बारे में मिलेगा आपको, बोतल में चारपाई आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, वो सभी आप देख सकते हैं, या थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप बना भी सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको बनाना है या परचेज करना है। ये जो भी आप चारपाई देख पा रहे हैं मैं आपको क्लियर बता देता हूँ दोस्तों कि मैं ऑर्डर पे ही बनाता हूँ, और उसके लिए वीडियो के नीचे एक अंडरलाइन चलती है, उसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में एड्रेस लिखा रहता है, तो आप हिंदी में बनाइए तो आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में आपको समझ में आता है तो इंग्लिश में, दोनों में एड्रेस मैंने लिखा है। तो ये दोस्तों एक बात बता दें, तो मैंने चारपाई का सेंटर निकाला है, उस सेंटर में ये सेम रस्सी मैंने ली है, तो आप भी चाहें तो सेंटर में सेम रस्सी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा अलग डिजाइंस मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, ये सेंटर का अलग डिजाइंस बन जाएगी दोस्तों, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, सेंटर में विशेषकर आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको सेंटर में अलग डिजाइंस नहीं बनाना है तो सेम आप जैसे चल रहे हैं उसी सिक्वेंस में आप चलते रहिए, लेकिन आपको सेंटर में अलग डिजाइंस बनाना है और लहरों को आपको मोड़ना है तो आप ये सेंटर में सेम रस्सी भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी आपके ऊपर है कि आपको सेम रस्सी डालना है या नहीं डालना है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। यदि और भी आप हमारे चैनल पे जाएंगे थोड़ा विजिट करेंगे तो आपको नाम के बारे में मिलेगा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में मैंने दोनों में दो दो डिजाइन से नाम लिखे हैं, हिंदी में भी दो डिजाइन से नाम लिखे हैं इंग्लिश में भी, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत चीज़ चारपाई में लिखी हैं और वो सभी मैं ऑर्डर पर लिखता हूँ दोस्तों। तो ये सभी चार चार का सिक्वेंस है, आप ध्यान रखिए चार चार के सिक्वेंस में ही आपको करना है, सिर्फ ये लास्ट में चार दबाकर दो रस्सी उठा दी मैंने, क्योंकि इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस ये चल जाएगा आपको। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी पड़ेगी। और भी आप देखेंगे नाम भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी मैं ऑर्डर पे ही नाम भी ऑर्डर पे ही लिखता हूँ दोस्तों। तो ये आपके ऊपर है कि वीडियो में एड्रेस मिलेगा आपको नीचे अंडरलाइन में या स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर दे के नाम ये लिखवा सकते हैं दोस्तों। अपने चारपाई में नाम लिखवाना है या आपको हाथी, घोड़ा, मोर, ऊँट, तोता ये बनवाना है तो वो बनवा सकते हैं। तो ये सभी आपके ऊपर है कि आपको थोड़ी सी क्या मेहनत करेंगे खुद बना पाएंगे तो खुद भी आप सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सी डिजाइंस है आसान है तो वो आप थोड़ी सी मेहनत आपको करना होगा तो वो आप हमारे चैनल पे सीख पाएंगे, अन्यथा आप नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत सी मैंने आसान डिजाइन बताता हूँ मैं दोस्तों ताकि आप भी सीख सकें। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा सीक्वेंस, सेंटर मैंने रस्सी डाल दी है, लेकिन ध्यान रहे आपको ये सात रस्सी ही छह रस्सी डालनी पड़ेंगी, ये मैंने तीन डाल दी है और तीन और हमें डालेंगे दोस्तों। और अब दोस्तों खास बात ये है कि अब हमारा सीक्वेंस ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हमारा चल जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे तीन रस्सी उठा लेंगे, फिर यहाँ पे चार दबाई और ये चार रस्सी उठाई दोस्तों, फिर यहाँ से अब आपको तीन रस्सी उठानी है, फिर आपको यहाँ पर चार दबाइए और चार रस्सी उठा लीजिए दोस्तों। अब हमारा सीक्वेंस है वो आपको चेंज हो जाएगा दोस्तों, यहाँ चार दबाकर चार उठा लेंगे, तो ये बीच में हमारा सीक्वेंस एक अलग बन जाएगा, फिर उससे ये अभी हमारा सीक्वेंस अलग हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसलिए मैंने बीच में सीक्वेंस ये चेंज किया है दोस्तों, तो आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं अलग यदि आपको सीक्वेंस बनाना है तो, नहीं तो आप सेम सीक्वेंस में भी चला सकते हैं, उसमें भी आपको डिजाइंस बहुत ही सुंदर डिजाइंस लगेगी तो वो भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ से फूल की लहर की चेंज हो जाएगी, दो उठाई फिर ये चार दबाई और चार रस्सी उठा ली, फिर यहाँ पे दोस्तों पांच रस्सी हम उठाएंगे, फिर यहाँ पे दो दबाई और ये चार रस्सी उठा ली, फिर यहाँ पे चार दबाई और ये दो रस्सी उठाई। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे तभी आपको पूरी सीक्वेंस का समझ में आएगा। या इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पे थोड़ा जाएंगे आप तो आपको मुड्डा बनाते हैं, डोकों से मुड्डा कैसे बनाते हैं तो उनके बारे में आप देख सकते हैं, उन्हें पर्टिकुलर्स मैंने बनाई है चारपाई और ये मुड्डा, स्टार्टिंग से मैंने बताया किस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करना है, तो वो थोड़ा सा आपको विजिट करेंगे तभी आप बना पाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए यहाँ पे एक उठाइए और एक दबा दीजिए दोस्त, फिर यहाँ पे चार उठाइए चार दबा दीजिए, ये अपना लहर में चलती रहेगी, लहर का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ये सात रस्से उठा देनी है, फिर चार दबाई और चार रस्से उठा दिए, फिर यहाँ पे चार दबाकर एक रस्से उठा दिए। तो देखो ये आपको एक प्लस का निशान सेंटर में हमारे बन जाएगा और ये आपस में मैच हो जाएंगे दोस्तों, तो वो चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सी डिजाइन खटिया के बारे में देख सकते हैं, चौकड़िया की, पाँच कड़िया की, छः कड़िया की, आठ कड़िया की, नौ कड़िया की, बारह कड़िया की, वो सबसे सिंपल भी बनाई है और डिजाइन की बताई है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से ये आपको चौकड़ी एक अलग बन जाएगी, तो ये सब बना सकते हैं। अब इसमें आगे डिजाइन कैसे बनेगी वो दोस्तों मैं आपको पार्ट फोर में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।